नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अब रोड पर पड़े कचरे को देखकर आप नाक नहीं सिकोड़ेंगे, बल्कि इस बात से खुश होंगे कि इस कचरे का इस्तेमाल अब दूसरे काम में किया जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार में अब कचरे से रस्सी, ईंट और खाद बनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बिहार के गया शहर के नैली स्थित डंपिंग यार्ड में नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स प्रोक्योरमेंट द्वारा कचरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लान की शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, मुख्य सफाई निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद सहित दर्जनों निगम के अधिकारियों ने प्लांट के निरीक्षण का काम भी कर लिया है। जिसके बाद डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार का पहला प्रोजेक्ट है जिसे नगर निगम के सहयोग से लगाया गया है। यहाँ शहर के कचरे से ईंट, रस्सी और जैविक खाद तैयार की जाएगी। खुशी की खबर यह है कि प्लांट शुरू हो चुका है, सिर्फ औपचारिक उद्घाटन बाकी है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह काम होगा कैसे, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए कुल 6 मशीनों को लगाया गया है। मशीन हर दिन 150 टन RDF कचरा अलग कर रही है। वहीं 75 मिलीमीटर डाउनसाइज के कचरे को गीले कचरे में मिलाकर जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। सूखे कचरे को 10 प्रकार से अलग अलग किया जा रहा है। नगर निगम ने 30 करोड़ की राशि से प्लांट को लगाया है। भोपाल की निजी कंपनी नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोक्योरमेंट सूखे और गीले कचरे का निष्पादन कर रही है। इसके साथ ही मृत जानवरों के शव के लिए क्रमशः मशीन भी लगाई जा रही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सड़कों पर कहीं भी जानवर मृत पड़े रहते हैं, उन्हें या तो अगल बगल फेंक दिया जाता है जिसके कारण बहुत ही दुर्गंध पैदा होती है, या फिर नगर निगम वाले उठाकर ले जाते हैं। ऐसे में अब मृत जानवरों के शव के लिए भी क्रिमेशन लगाए जाने का काम किया जा रहा है। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव की माने तो शहर के निगम क्षेत्रों में आने वाले सभी घरों के बाहर QR कोड भी लगाए जाने की योजना है, जो जल्द ही पूरी की जाएगी। कई शहरों में QR कोड लगाने का काम भी पूरा हो चुका है, जिसमें राजधानी पटना समेत कई जिलों के नाम शामिल है, जिसका फायदा ये होगा कि जो भी सफाई कर्मी घर से कचरा उठाने जाएंगे वो QR कोड को स्कैन करेंगे। उसके स्कैन होते ही कंट्रोल रूम में इसका सिग्नल मिल जाएगा कि किस घर से कचरे का उठाव हो चुका है। अलग से मॉनिटरिंग रूम भी बनाया जाएगा, जहां से कचरा नहीं उठाए उसकी सूचना संबंधित अधिकारी सफाई कर्मियों को मिल जाएगी। जिसके बाद उम्मीद यही है कि पिछले 20 सालों से डंपिंग यार्ड में फैले कूड़े कचरे का निष्पादन हो जाने से आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण में कमी आएगी। अक्सर गर्मी के दिनों में ऐसा ही देखा गया है कि कचरे के ढेर में आग लग जाती है, जिससे आसपास के कई गांव में दूषित वायु से ग्रामीण परेशान होते हैं। इससे भी निजात मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, और साथ ही किसानों को न्यूनतम मूल्य पर जैविक खाद भी उपलब्ध हो सकेगी। वहीं ईंट बनाने में भी काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता है, ऐसे में कचरे के ढेर से ईंट बनाने के विकल्प के बाद एक तो लोगों को कचरे से निजात मिलेगा, दूसरा ईंट के इस्तेमाल से लोग अपना घर भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।